सर निसार आए थे तुम्हारे तुम्हारी क्लास में सर निसार निसार नहीं आते थे। हमारी क्लास में तो आते हैं कभी कभार चीजें वही बताने। सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, हाउ आर यू ऑल, क्या हाल चाल है आप लोगों के? ठीक है फराज, मुझे तुम्हारी आवाज। यस फराज बोलो, व्हाट हैपेंड इन द क्लास, क्या हुआ केमिस्ट्री की क्लास में, कुछ प्रॉब्लम हुआ था? यस महद, स्पीक अप प्लीज, मैं मैसेज नहीं देख रहा अभी। चलें जनाब, लेट्स स्टार्ट आवर इंग्लिश क्लास। आज हमारा एक नया टॉपिक है जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं, तो एक सवाल से स्टार्ट करते हैं। अ वेरी इजी क्वेश्चन टू आंसर, आपने आंसर देना है उसका और यू हैव टू टेल मी, रीड द क्वेश्चन एंड देन वी विल डिसाइड, और फिर हम बात करेंगे उस पर। व्हाट डू यू थिंक, हाउ डिड इस्लाम स्प्रेड फार एंड वाइड? After the prophethood, Anbiya Ikram ke baad, Nabi Kareem sallallahu ta'ala alayhi wa sallam ke baad, Islam puri dunia mein dur daraz tak kaise phaila? How do you think? Kaise phaila Islam? कुरान मजीद के जरिए। तो कुरान मजीद के जरिए कैसे, मतलब कुरान मजीद पढ़कर, उसका तर्जुमा पढ़कर? सबका यही ख्याल है। अपने 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 आप को अनम्यूट करके अपने अपने साइंस दे। सर कुरान मजीद को पढ़कर और इसको समझकर। कुरान मजीद को पढ़कर और हदीसों को पढ़कर और आलिमों के जरिए। उलमाए इकराम के जरिए से, यू वांट टू से दैट, उनको इंग्लिश में क्या कहते हैं? और डेफिनेटली कुरान मजीद सब तो नहीं पढ़ पाते, जो नॉन मुस्लिम्स थे वो तो नहीं पढ़ पाते थे ना, उनको किसी ने बताया होगा, किसी ने पहुंचाया होगा ना पैगाम, वो कौन लोग थे? सर नमाज के जरिए। अरे बाबा, ये मतलब कोई नॉन मुस्लिम नमाज क्यों पढ़ेगा? व्हाई विल ही ऑफर ऑल माय कलाम के जरिए, पैगंबर से। पैगंबर इकराम के बाद किसने फैलाया इस्लाम को बेटा? जो आलिम है, जो मुफ्ती हैं, उन लोगों ने फैलाया। हाँ, definitely, उन लोगों को क्या बोलते हैं? What are these people called? ऐसे लोगों को क्या बोलते हैं? ये लोग क्या कहलाते थे, इनको क्या कहा जाता था? God's fellow men, हाँ, God's fellow men, इनके लिए कोई specific word है?
औलिया इकराम, सूफिया इकराम, बुजुर्गान दीन है ना, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इनको? कुछ नाम पता है ऐसे अल्लाह के नेक बंदों के जिन्होंने इस्लाम को पूरी दुनिया में फैलाया? Who are they? कुछ नाम पता है? Do you know any name? इमाम अहमद रज़ा खान और इमाम अहमद रज़ा खान और शाबाश और कौन कौन थे अल्लाह के नेक बंदे? मौलाना तकी उस्मानी, मौलाना तारिक जमील और अमीर अहले सुन्नत इलियास कादरी और हमारी बुक में भी तो एक है। आज हम जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं इज ऑल अबाउट शाह अब्दुल लतीफ। ठीक है, टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट शाह अब्दुल लतीफ। एनी आइडिया, व्हाट डू यू ऑलरेडी नो अबाउट हिम? शाह अब्दुल लतीफ के बारे में आप क्या जानते हैं? शाह अब्दुल लतीफ के बारे में क्या जानते हैं? अपने आप को अनम्यूट करके बता दें। यस सर अमली, मौलाना वहाब और इन सूफिया इकराम के बारे में आप क्या जानते हैं, स्पेशली शाह अब्दुल लतीफ के बारे में आप क्या जानते हैं? व्हाट डू यू नो अबाउट शाह अब्दुल लतीफ? चले पहले मैं इनकी एक छोटी सी पोइट्री आपको सुना रहा हूँ। ठीक है, आपने ये पोइट्री सुननी है और ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। इवन आपको शायद इसका एक भी वर्ड समझ ना आए क्योंकि वी आर नॉट सिंधी एक्चुअली, लेकिन आपको इनकी रिदम और इनकी शायरी में कुछ मजा आएगा। ठीक है, आई एम शेयरिंग माई स्क्रीन विद यू। मैं आपसे अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ और लेट्स सी और लेट्स एंजॉय। ठीक है जनाब, सुनिए और एंजॉय कीजिए। जिरवण सारी जन त सारी रात रोआ, परचाई दे पिरन के पेरन मच पवा। अवल नाम अलाह जो जको खालिक खलकनहार, कुल नबियन का मथावा मोहम्मद मिठो मंठार। अली इमाम हक जो जको अड़ियन जो आधार, जंहिंजो पुतन सां प्यार सो सुरहो हूंदो संसार में। दोस्त को है दादला मुहब माराए, हसन कलीलन के सख्तूं सहाय। अल्लाह समद पे न्याज सा करे जा चाहे, उनन मंज आए काउन ही गाले सरार जी। ओ त कजैन एहसास आऊं तो दुई आहे, मेरी संदे मन में ना है को सवाब, जाने कड़ो जवाब दींदस हर एक दुआ जो। जे रोअण सारी जन त सारी रात रोआ, परचाईंदे पिरन के पेरन मच पवा। धरती सारी धोआ लुड़कन सां लतीफ चए, सदाएती सब का बुख न बासे का। जी ते जात जी जुम्बश कने का, ले सा सा जा जीव मिठो न करे। राणा तुझे राज में मुखे चोडो चंड डिठो, न की दाणो पेट में न की अखियन अन डिठो। हाणे राणे खे चइजो त मुमल रात मरी वई। जूरो रात जवान जेडी जत करे रहा। जी जनाब, सो
यस तंबूरों पे, यस 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 तंबूरों, अभी हम बात करेंगे तंबूरों क्या होता है और जो है शाह अब्दुल लतीफ भिटाई ने जो शायरी की है। यस 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 डेफिनेटली, मैं आपको इसकी तस्वीर भी दिखाऊंगा, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। नहीं मैं सिंधी नहीं हूं लेकिन आई कैन फील द लव, मैं सिंधी नहीं हूं लेकिन आई कैन फील द लव। शाह अब्दुल लतीफ की पोइट्री में जो मोहब्बत है अपनी अल्लाह ताला से मोहब्बत का जो भरपूर इजहार है, तो डेफिनेटली यू कैन नॉट निग्लेक्ट इट। तो यही बात है कि कभी कभार हमें अल्फाज समझ नहीं आते, हमें मतलब समझ नहीं आ रहा होता, लेकिन हम उस शायरी को इंजॉय कर रहे होते हैं। तो यही हाल जो है वो शाह अब्दुल लतीफ की पोइट्री का है कि आपको समझ कुछ नहीं आ रहा होता बट यू इंजॉय। ठीक है, तो इसी के साथ हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं और मैं कुछ बायोग्राफी भी शेयर करना चाहता हूँ आपसे, वो भी करूँगा बीच में, लेकिन पहले हम ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या बात बताई जा रही है। ठीक है, the first two paragraph. Who will read for me the first paragraph? कौन पढ़ेगा पहला पैराग्राफ मेरे लिए? अरहम फराज, महद, मज़ाहिर, मुर्तुजा, who will read the first paragraph? शहबाज, राहिम, anyone can read. Unmute yourself and start reading, please. Who will read? Shall I nominate? Chale Arham, aap padhiyega beta. Read the first paragraph. Shah Abdul Latif. Islam is a religion of peace. God sent the Prophet as a blessing to mankind. He won people's hearts by his kind nature and gentle ways. His noble example was followed by many of his followers in all ages, all over the world. It was through the effort of these saintly men that Islam spread far and wide. These holy men were extremely successful in bringing non-Muslims to the fold of Islam. Okay, very well. Thank you, Arham. Nice reading. Okay. Islam is the religion of peace. Bataya ja raha hai, Islam amn ka mazhab hai. God sent the Prophet as a blessing to mankind. Aur Allah Ta'ala ne insano ki falah behbood ke liye जो है वो अंबिया इकराम को मबऊस किया। He won people's heart by his kind nature and gentle ways। और ये जो अल्लाह के नेक अंबिया इकराम, अल्लाह के अंबिया इकराम थे, अल्लाह के नबी थे, इन्होंने लोगों के दिल जीत लिए अपनी अच्छी सोच, अपने अच्छे ख्यालात और अपने अच्छे किरदार के जरिए से। पीस कहते हैं अमन, इस्लाम इज द रिलीजन ऑफ पीस, इस्लाम अमन का मजहब है। ब्लेसिंग टू मैनकाइंड, अल्लाह ताला ने नौ इंसानी के लिए रहमत बनाकर भेजा अपने नबियों को, और उन्होंने क्या किया, अपने अच्छे ख्यालात और अच्छे किरदार के जरिए से लोगों के दिल जीत लिए। और यही अजीम मिसालें अल्लाह के अंबिया इकराम के बाद उनके नेक लोगों ने फॉलो करना शुरू किया, मानना शुरू किया, फॉलोअर्स मानने वाले, फॉलोड बाय मैनी ऑफ हिज फॉलोअर्स। और हर दौर में, इन ऑल एजेस, हर दौर में, ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में ऐसी अच्छी एग्जांपल्स मौजूद हैं। जैसे अभी कुछ लोगों के आप इन लोगों ने नाम बताए हैं, तो ये अल्लाह के वो नेक बंदे हैं जो नबियों के तरीक़ेकार को फॉलो करते हुए इस दुनिया में लोगों को दीन का पैगाम पहुंचा रहे हैं और अपना फर्ज निभा रहे हैं, है ना। तो अभी आप लोगों ने मुख्तलिफ लोगों के जो नाम लिए हैं वो यही अल्लाह ताला के दीन की सरबुलंदी के लिए काम कर रहे हैं। अब अगर हम पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों की बात करें तो उस पे क्या समझ आ रहा है, देखते हैं जरा। हो मिल रही है नेक्स्ट वर्ड, फराज अहमद अपना नेट चेक करो, मैं एक बार और शेयरिंग कर लेता हूँ। वैसे मेरे पास तो क्लियर है, बाकी लोगों के पास भी होपफुली क्लियर ही आ रही होगी। मैं एक बार और शेयर कर देता हूँ उसको हटा कर।
अब सही यार ये फराज ओके चलें नेक्स्ट कौन पढ़ेगा जनाब सेकंड पैराग्राफ कौन पढ़ेगा चलो माहद पढ़ो शाबाश अनम्यूट करो अपने आप को इन एवरी पार्ट ऑफ आवर कंट्री दीस आर शाइन ऑफ सच दुनिया का समझ नहीं आ रहा एक मिनट यस अब In every part of our country, there are shine of such saint in Lahore are the shine of Data Gansh Baksh and man Mir Sahab. Mir Sahib in Pak Patan lived and read Baba Farid in Multan. Is the shine of Ghaus Bahawal Haq in Peshawar, in Quetta and in countless other towns and cities. There are the tombs of these men of God. In Sindh are the tombs of two great saints, Shah Abdul Latif and Qalandar Lal Shahbaz. Very good. Nice reading. Great. Rahim, apna mic check karo, beta. Aapke mic ka problem ho sakta hai. Awaaz to bilkul clear aa rahi thi. Mahat ki awaaz bilkul clear aa rahi thi. Aap apna mic check karein. अच्छा जी चलें अब पढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या बात की जा रही है सेकंड पैराग्राफ में तो ये भी एक इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ है इसमें स्पेसिफिकली जो बात की जा रही है वो ये है कि हमारे मुल्क के तकरीबन हर हिस्से में इन एवरी पार्ट ऑफ आवर कंट्री हमारे मुल्क के हर हिस्से में देयर आर श्राइन्स कहते हैं मजारात को मजारात जो बुजुर्गान दीन के जो मजारात होते हैं मजार होते हैं उन्हें कहा जाता है श्राइन्स श्राइन्स ऑफ सच सेंट्स यानी इन अल्लाह के वलियों के मजारात मौजूद हैं औलिया इकराम सेंट्स लाहौर में अगर हम बात करें तो लाहौर में जो हैं वो जो बड़े बुजुर्ग हैं दो उनमें एक दाता गंज बख्श जो मेन लाहौर में जिनका मजार है दाता गंज पक्ष और इसके अलावा मियां मीर साहिब ये दोनों बुजुर्गान दीन लाहौर में आराम फरमा हैं और इनके मजारात वहां हैं अगर पाक पतन की बात करें जो लाहौर से कुछ फासले पर है पंजाब में ही है वहां बाबा फरीद शकरगंज जिनका लकब है शकरगंज बाबा फरीद शकरगंज उनका मजार है मुल्तान की अगर हम बात करें तो मुल्तान में तो मुल्तान को कहा जाता है औलिया इकराम की सरजमीन हमारे मुल्क में सबसे ज्यादा मजारात जो हैं वो मुल्तान में हैं शाह रुकने आलम शम्स तबरेज गौस बहाउल हक और बेशुमार लोगों के मजारात जो हैं वो कहाँ हैं मुल्तान में हैं तो यहाँ भी उनके चंद के नाम यहाँ जिक्र किए गए कि पाक पतन में और मुल्तान में जो मजारात हैं उनमें गौस बहाउल हक का मजार मुल्तान में उसके अलावा शाह रुकने आलम हैं शम्स तबरेज हैं और बेशुमार बुजुर्गान दीन इसी तरह पेशावर और कोयटा में भी बेशुमार मजारात हैं इसी तरह हमारे मुल्क के मुख्तलिफ कस्बों और शहरों में भी ये मकबरे और मजारात मौजूद हैं टॉम्स वैसे मकबरे को बोलते हैं मजारात के लिए भी इस्तेमाल होता है ऑफ दीज मैन ऑफ गॉड अल्लाह के नेक बंदों के मजारात मौजूद ठीक है अगर स्पेशली सिंध में बात करें तो सिंध में हमारा कराची भी आता है और कराची में भी एक बुजुर्ग है जिनका मजार है क्लिफ्टन में क्या नाम है उनका सर अब्दुल्ला शाह गाजी अब्दुल्ला शाह गाजी तो इनका भी मजार यहाँ सिंध में ही आता है कि कराची इज आल्सो द पार्ट ऑफ सिंध दो जो अजीम बुजुर्ग हैं जिनकी जबान भी सिंधी है तो उनमें एक हैं अपने शाह अब्दुल लतीफ भिटाई जो गढ़ी खुदाबख्श से थोड़ा फासले पर हाला हवेली एक जगह है सिंध में वहां उनका मजार है और ये लाल शहबाज कलंदर लाल शहबाज
सेवन में जिनका मजार है, तो ये दोनों बहुत मशहूर बुजुर्ग हैं सेवन शरीफ में जिनका मजार है, कलंदर लाल शहबाज, और अल्लाह के नेक बंदे गुजरे हैं। ठीक है, तो आज स्पेशली हम जो पढ़ने जा रहे हैं, जिन बुजुर्ग के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, उनका जो नाम है वो है शाह अब्दुल लतीफ। स्पेशली हम किसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं, शाह अब्दुल लतीफ के बारे में। तो मैं एक और आपसे बायोग्राफी शेयर कर रहा हूं और देखते हैं कि उसमें क्या बात बताई जा रही है। ठीक है जनाब, अब तो नहीं हो रही मुर्तुजा, चले मैं आपको एक शाह अब्दुल लतीफ की एक बायोग्राफी भी दिखा दूं। और अगर आप चाहें तो आप खुद भी जो है वो इंटरनेट पर सर्च कर सकते हैं। ये मैं आपसे एक वीडियो शेयर कर रहा हूं। चलें जनाब देखिएगा, आई एम शेयरिंग अ स्क्रीन विद यू। काइंडली रिसाइड सो अफगानिस्तान से हिजरत करके सिंध में मुकीम हुआ। आपका खानदान अफगानिस्तान से हिजरत करके सिंध में मुकीम हुआ। आपके वालिद मोहतरम का नाम सैयद हबीब शाह था, जिनका शुमार भी अपने दौर के मुमताज रूहानी बुजुर्गों में होता था। शाह साईं की विलादत 1101 हिजरी बमुताबिक 1689 हैदराबाद सिंध के कुछ किलोमीटर दूर मौजूदा मटियारी ज़िले के कस्बे आला हवेली में हुई। कुछ तारीख लिखने वालों ने जाए पैदाइश का नाम सुईकंद और कुछ ने भीमपुर भी तहरीर किया है। रिवायात में है कि शाह साईं के दोष पर अल्लाह का इस्म एक दिल की शक्ल में नमूदार था और उस इसमें रब्बी की ज्यारत करने के लिए लोग मीलों मील सफ़र करके आते थे और ज्यारत करते थे। और काफ़ी बुजुर्ग अशखास ने शाह साईं के बाबा से ये अर्ज़ किया कि ये अल्लाह की निशानी है और आने वाले वक्त में एक अजीम मौलिया बनकर इंसान जात की खिदमत करेगा। ये जो लेके बैठे हुए ना बाबा साहब, ये तंबूरो है, अभी इसकी पिक्चर भी आपको मैं दिखाऊंगा। ये तंबूरो कहलाता है और ये एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है जिसको शाह अब्दुल लतीफ ने जो है वो क्या किया था, ईजाद किया था। यस बोलो, यू वांट टू से समथिंग बेटा। ये इसकी मैं आपसे शाह साहब वो भी शेयर कर लूंगा लिंक, जरूर इसको देखिए। की विलादत के कुछ ही आयाम बाद आपके वालिद अपना आबाई गांव छोड़ के चंद कोस दूर कोटरी मुगल में आके रहने लगे। शाह साहब की इब्तदाई तालीम खान की माहौल में हुई। आपने वालदा से अरबी और वालिद से फारसी और सिंधी की तालीम हासिल की। 5-6 साल की उम्र में आपको आखुंद नूर मोहम्मद की मशहूर दरसगाह में तहसील इल्म के लिए भेजा गया। कुछ बुजुर्गों का इत्तफाक है कि शाह साहब, ठीक है बेटा, तो ये मैं आपसे इसको शेयर कर लूंगा इसकी लिंक ना। जी जी जी, तंबूरों में सिर्फ एक ही वायर होता है और गिटार की जो है वो आप ओल्ड फॉर्म कह सकते हैं कि तंबूरो, एक तारा भी बोलते हैं, एक तारा, तंबूरों को एक तारा भी बोलते हैं क्योंकि उसमें एक ही तार होता है। तो मैंने तो खैर कसूर में बाबा भुल्ले शाह के मजार में भी देखा है कि वो रखा हुआ है, वहां एक छोटा सा म्यूजियम है वहां रखा हुआ है। खैर चले कंटिन्यू करते हैं अपना चैप्टर और देखते हैं कि आगे क्या होने जा रहा है। ओके,
सी दिस। अब नेक्स्ट पैराग्राफ की बात कर रहे हैं। द ग्रेट सेंट शाह अब्दुल लतीफ हू इज लविंगली, ये कौन पढ़ेगा ये पैराग्राफ, कौन पढ़ेगा ये पैराग्राफ? यस रेज हैंड। यस मोहम्मद मुर्तजा स्टार्ट। The great Saint Shah Abdul Latif, who is lovingly called Lal Latif by his devotees, was born in 1102 Hijra in a small village called Hala Haveli. The good Mughal Emperor Aurangzeb then ruled the country. Shah Abdul Latif's ancestors migrated to Sindh during the days of Timurlian. They had come from Hijrat. Sindh was then a center of Muslim culture, and Shah Abdul Latif's ancestors liked it so much that they decided to make it their home. But no one would have remembered their names or learned about them if many centuries later one of their descendants, Sayyid Habib Shah, had not been blessed with a son who grew up to be Saint Lal Latif. ओके, सो लेट्स सी अब क्या बात की जा रही है इस पैराग्राफ में। वेरी गुड मुर्तजा, यू हैव रेड इट वेरी गुड। अब बात की जा रही है इनकी बायोग्राफी के बारे में। अच्छा, ये बायोग्राफी क्या होती है, कुछ आइडिया है किसी को? बायोग्राफी और ऑटोबायोग्राफी, किसी ने नाम सुना है पहले बायोग्राफी या ऑटोबायोग्राफी का नाम सुना है? हैव यू हर्ड अबाउट दिस बायोग्राफी और ऑटोबायोग्राफी? सर, ऑटोबायोग्राफी जिसे कहते हैं जिसमें आप अपनी अपने जिंदगी के बारे में खुद लिखते हैं, और बायोग्राफी में जो आपके बारे में कोई बता रहा हो। वेरी गुड, तो ये क्या होगी जो हम पढ़ रहे हैं? ये बायोग्राफी हुई सर। यस, बायोग्राफी है ये। ठीक है, बायोग्राफी क्यों है जनाब? इस वजह से कि शाह अब्दुल लतीफ की जिंदगी के बारे में किसी और ने लिखा है। लेकिन अगर शाह अब्दुल लतीफ अपनी जिंदगी में कोई सवाने हैं, उम्र ही लिखते हैं, अपनी जिंदगी के वाकयात लिखते, तो वो क्या कहलाते हैं? वो कहलाते ऑटोबायोग्राफी। ठीक है, अच्छा अजान हो रही है, 2 मिनट का गैप लें। ठीक है, ओके जनाब, तो वी वर डिस्कसिंग अबाउट बायोग्राफी और ऑटोबायोग्राफी। ठीक है, इस पर बात कर रहे थे, बायोग्राफी और ऑटोबायोग्राफी पर, यानी
आपकी जिंदगी के वाकयात कोई दूसरा लिखे तो वो कहलाता है बायोग्राफी, और आप अपनी जिंदगी के वाकयात खुद लिख रहे हैं तो उसे ऑटोबायोग्राफी कहते हैं, जिसको हम उर्दू में आप बीती और जग बीती भी बोलते हैं। ठीक है, अच्छा ये मीटिंग जैसे ही एंड होगी ना तो उसके बाद दोबारा इसी यूजर आईडी और पासवर्ड से रिकनेक्ट हो जाइएगा। क्लियर हो गया? चलें तो हम क्या बात कर रहे थे, अब ये जो है ना ये वाला पैराग्राफ, ये वाला पैराग्राफ, ये इनकी बायोग्राफी है। शाह अब्दुल लतीफ कहाँ पैदा हुए, कहाँ पले बड़े, ये सारी चीजें ऑथर लिख रहा है इनके बारे में, राइटर इनके बारे में लिख रहा है। ठीक है, तो ये बायोग्राफी है कि कोई और शाह अब्दुल लतीफ के लाइफ इवेंट्स लिख रहा है। तो लेट्स सी क्या बोल रहा है, वो क्या बता रहा है, उसको हम देखते हैं। कहा जा रहा है ये अजीम सूफी बुजुर्ग, सूफी बुजुर्ग शाह अब्दुल लतीफ जो है, जिन्हें उनके मानने वाले डिवोटीज कहते हैं, मानने वाले मोतकीदीन को कहते हैं, वो उन्हें प्यार से क्या, मोहब्बत से और प्यार से क्या कॉल करते हैं, लाल लतीफ कॉल करते हैं। यानी आज के दौर में उन्हें क्या कॉल किया जाता है, लाल लतीफ कहा जाता है। शाह अब्दुल लतीफ भिटाई उनका पूरा नाम है, लेकिन उन्हें उनके प्यारे मानने वाले, उनके मानने वाले प्यार से लाल लतीफ को कॉल। वो 1102 हिजरा में पैदा हुए। अच्छा इस बात को याद रखिए, ये लूनर कैलेंडर है। कौन सा कैलेंडर है? लूनर कैलेंडर। लूनर कैलेंडर मतलब कमरी साल। कौन सा साल? कमरी साल। लूनर कैलेंडर, लूनर कैलेंडर, लूनर, लूनर मतलब चांद से रिलेटेड। और ये लूनर कैलेंडर स्टार्ट कब से हुआ था? जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जी बोले, हाँ बोले बोले, इस्लामी साल। हाँ इस्लामी साल, यस यस एब्सोल्युटली लूनर कैलेंडर इस्लामी साल। और ये कब से स्टार्ट हुआ था, कुछ आइडिया है? 1102 हिजरा, हिजरा बोला जाता है, हिजरी, सने हिजरी। अभी कौन सा सने हिजरी चल रहा है? ये इस्लामी साल कौन सा है, कौन सा इस्लामी साल है ये? अगर मैं सोलर कैलेंडर की बात करूं, ईसवी साल की बात करूं, तो 2020 है ना। अभी करंट ईयर कौन सा है? 2020 है ना। इस्लामी साल कौन सा है जी, इस्लामी साल कौन सा है जनाब? अभी एक महीने बाद ज़िकात और मुहर्रम में क्या लग जाएगा? हमें जिता दिया आपने, क्या लग जाएगा? 1442 लग जाएगा। शाबाश, जब नया साल शुरू होगा, मुहर्रम नया साल शुरू होगा, तो 1442 हिजरी हो जाएगा। इस वक्त ये जो साल है करंट, वो है 1441। ये कहलाता है हिजरी और वो कहलाता है ईसवी। ठीक है, ए डी कहलाता है, ए डी एनी डोमिनी, और ये कहलाता है हिजरी। अच्छा ये एनी डोमिनी क्या है, यानी ये इस ईयर का हिजरा, यानी ये ईयर कब से स्टार्ट हुआ था? जब हजरत ईसा अलैहि सलाम को आसमान पर उठा लिया गया था, तो वो ईसवी साल कहलाया और उससे ये सने ईसवी स्टार्ट हुआ। तो आज इस बात को तकरीबन 2020 साल हो गए और क़ुर्ब क़यामत में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दुनिया में तशरीफ़ लाएंगे, ये हमारा अकीदा है, है ना। तो ये 2020 जो है इस वक्त करंट ईयर। ओके नाउ द नेक्स्ट थिंग, 1441 हिजरी। तो इन द सेम सेंस ये जो 1102 हिजरा है ना, इफ वी आर गोइंग टू कन्वर्ट दिस इन ईसवी कैलेंडर, तो बनता है कुछ 1698 AD, यानी कोई 1698 AD, 1698 AD 1698। ठीक है, 1699 AD, तो वहां जो है उसमें ये पैदा हुए थे। कहाँ पैदा हुए थे? एक स्मॉल विलेज, एक छोटे से विलेज, दैट इज कॉल्ड हाला हवेली। उस विलेज का क्या नाम था? हाला हवेली, वहां पैदा हुए।
ठीक है, क्लियर हो रहा है? कोई कंफ्यूजन? इन अ स्मॉल हवेली कॉल्ड हाला हवेली, उस गांव का नाम क्या था? इन अ स्मॉल विलेज कॉल्ड हाला हवेली, ठीक है, उस गांव का नाम था हाला हवेली. शाबाश, वेरी गुड. सो द गुड मुगल, उस वक्त जो, उस वक्त आपको पता है मुसलमानों की हुकूमत हुआ करती थी पूरे जनूबी एशिया में. तो जो मुगल हुक्मरान था औरंगजेब, कौन सा? औरंगजेब, वो हुकूमत किया करता था मुल्क पर. तो शाह अब्दुल लतीफ के जो आबाओ अजदाद थे, एंसेस्टर्स, एंसेस्टर्स कहते हैं फोर फादर्स, आबाओ अजदाद, जैसे मेरे दादा, परदादा और परपरदादा, है ना, दादा के भी दादा, तो ये एंसेस्टर्स कहलाते हैं. एंसेस्टर्स, आबाओ अजदाद, यानी अगर हम इंसान अपनी बात करें तो हमारे जद्दे आला कौन है? हजरत आदम अलैहि सलाम. यानी तमाम इंसानों की जो पैदाइश हुई है वो किससे हुई है? हजरत आदम अलैहि सलाम. आदम अलैहि सलाम, तो फोर फादर्स. तो इसी तरह अब हमारे जो दादा हैं, परदादा हैं, आप में से किसी को अपने परपरदादा का नाम याद है? नो सर. नो सर. दादा के दादा का नाम याद है? नो सर. है ना, तो सेंस ये है कि हम लोग इन चीजों का ख्याल नहीं करते, लेकिन यहाँ पूरे शिजरे बनाए जाते हैं कि वो किसके बेटे थे, वो किसके बेटे थे, वो किसके बेटे थे, इस तरह ये सारा चल रहा होता है. बहरहाल, तो शाह अब्दुल लतीफ के जो आबा अजदाद थे वो हिजरत करके, माइग्रेटेड, हिजरत करके सिंध आए थे. कहाँ आए थे? मौजूदा सिंध. सिंध आए थे किसके दौर में? तैमूर लंग के दौर में आए थे. तैमूर लेन कहा जाता है इसे इंग्लिश में. तैमूर लंग के दौर में सिंध हिजरत करके आए थे. और वो कहाँ से आए थे? हेरात. ये जो है ना, ये आपको हेरात के नाम से मिलेगा तारीख में. हमारी इस इंग्लिश की बुक में गलत लिखा हुआ है हिजरात, ये वर्ड है हेरात. आप इसको इंटरनेट पर भी सर्च करेंगे तो हेरात लिखा हुआ आएगा, ये हेरात, ठीक है, हेरात. तो वहां से ये हिजरत करके कहाँ आए थे? सिंध आए थे, जो अफगानिस्तान में हेरात है, गजनी के प्रोविंस में. अफगानिस्तान का एक सूबा है गजनी, जो सुल्तान महमूद गजनवी ने फतह किया था, उस गजनी नाम दिया था उसको, उसका एक कस्बा है, एक छोटा सा गांव है हेरात. तो वहां से हिजरत करके कहाँ आए थे आप? सिंध आए थे. और मतलब आपके वालिदैन यानी आपके फोर फादर सिंध आए थे. और उस वक्त जो है वो सिंध जो है वो सेंटर ऑफ मुस्लिम कल्चर, यानी मुसलमानों के सकाफत का मरकज था. सिंध उस वक्त मुसलमानों की सकाफत का मरकज था. और शाह अब्दुल लतीफ के आबाओ अजदाद को ये जगह इंतहाई ज्यादा पसंद आई, इंतहाई ज्यादा पसंद आई. तो उन्होंने क्या किया? दे डिसाइडेड टू मेक इट देयर होम. उन्होंने इसे अपना घर बनाने का फैसला कर लिया. लेकिन उस वक्त कोई भी नहीं जानता था, शायद किसी को पता भी नहीं होगा, बट नो वन वुड हैव रिमेम्बर्ड देयर नेम. किसी को उनके नाम याद नहीं होंगे और ना ही उनके खानदान के बारे में कुछ पता होगा किसी को, कि कोई जान ही नहीं सकता था, कोई उनको याद ही नहीं कर सकता था. अगर कई सदियों के बाद, यानी हमें क्या जरूरत थी इनके बारे में पढ़ने की ना, इनके आबाओ अजदाद को क्यों याद रखा जा रहा है? इनके आबाओ अजदाद को शाह अब्दुल लतीफ की भिटाई की वजह से याद रखा जा रहा है. तो कहा यह जा रहा है हम उनके आबाओ अजदाद के बारे में नहीं जान सकते थे अगर कई सदियों के बाद. सेंचुरीज कहते हैं, एक सेंचुरी में कितने ईयर्स होते हैं? 100 years, है ना, 100 साल. 100 years. हाँ, तो कह रहे कई सेंचुरीज के बाद उनके यहाँ, उनकी औलाद में, डिसेंडेंट्स औलाद में, सैयद हबीब शाह के घर, यानी उनकी जो औलाद थी, फोर फादर जो इनके हिजरत करके आए थे, शाह अब्दुल लतीफ के फोर फादर, आबाओ अजदाद, यानी दादा, परदादा, परपरदादा, उनका एक बेटा था सैयद हबीब शाह, और उसके यहाँ एक औलाद हुई जो बड़े होकर, एक बेटा पैदा हुआ जो बड़े होकर क्या बना? सेंट लाल लतीफ. तो यहाँ ये बात की जा रही है, अगर शाह अब्दुल लतीफ भिटाई पैदा नहीं होते तो शायद हम इनके खानदान के बारे में कुछ भी नहीं जानते थे. खैर हुआ भी,